हमने कहा कि हमने बहुत कुछ छोड़ा, आपको लगता है कि मैंने छोड़ दिया और सब कुछ खाली हो गया? मैंने छोड़ा तो सर यहाँ क्या छोड़ा? छोटी सी जाति इतनी दुनिया पाल ली, मैंने छोड़ा एक छोटा सा धर्म, सारे धर्म अपना लिए, मैंने छोड़ा एक छोटा सा नाम, इतना बड़ा नाम पा लिया, मैंने छोड़ा कि पाया। आप लोग जो पकड़े बैठे हो वो कंकड़ है कंकड़, एक बार छोड़ने की हिम्मत करो, आपके हाथों में सोना दिखाई पड़ेगा, सोना। कंकड़ पकड़ के बैठे हो भाई, आज मैं कह सकूंगा कि अभी तक मैं वोटरों को भारत की आमदनी बंटवाने की बात करता था और ये कहता था कि भारत की आमदनी 12,000 रुपए है, तो देश के वोटरों को उसका आधा 6,000 महीना मिलना चाहिए। मैं ये कहता, मैं सही कहता था कि गलत? कितने लोग मानते हैं कि सही? हाथ उठाएंगे। 6,000 रुपया लोगों को मिले, ये बात हमारी सही थी कि गलत? सही थी। और अब मैं क्या बोलूंगा कि अब तो मैं पूरी दुनिया का हो गया, अब इंडिया की आमदनी ही क्यों बटे, अब पूरी दुनिया की आमदनी पूरी दुनिया में बटे, पूरी दुनिया में बटे, और पूरी दुनिया की आमदनी इस समय 50,000 महीना है, तो आधा कितना हुआ? 25,000 हुआ। तो वोटरशिप की रकम कितनी होनी चाहिए? 25,000 महीना। अभी थोड़ी देर पहले आपको लगता था कि गांधी सर ने तो सब छोड़ दिया। अरे मैंने छोड़ दिया इंडिया को तब 25,000 रुपया पाने का रास्ता खुला, 25,000 का रास्ता खुला। और अगर मैं इंडिया के पिंजरे में बंद रहता तब क्या होता? तब हम 6,000 मांग रहे थे, 6,000। हमने खोया कि पाया? पाया, पाया। जो मैंने पाया वही आपको मिले, वही आपको मिले। मेरी ऐसी कामना है कि जो मैंने पाया वो आप भी पाओ, आप भी पाओ। अब हम दुनिया में सीना तान के कह सकते हैं कि हे अमेरिका, हे चीन, हे जापान, हे रूस, हे लंदन, तुम्हारी आमदनी बांटने के लिए हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अभी तक तो हम कहते थे कि हे दिल्ली वालों, हे बंबई वालों, तुम्हारी आमदनी बांटने के लिए हम आसाम से आ रहे हैं, और अब हम कहेंगे अमीर देशों, यूरोप के, अमेरिका के, एशिया के, अब तुम्हारी आमदनी बांटने के लिए हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। अगर हम अपने बाप को बाप नहीं मानेंगे तो बाप की संपत्ति में, बाप के खेत में हिस्सा कैसे मांगेंगे? दुनिया को अब हमने अपना माना है, आपको अच्छा लगे तो आप भी दुनिया को अपना मानो, मानो। आप
भी दुनिया को मानो, आज इंडिया में रहो, कल चीन में रहेंगे, परसों जापान रहेंगे, नर्सों लंदन रहेंगे, ये धरती हमारी माँ है। माँ का कभी पैर दबाएंगे, कभी हाथ दबाएंगे, कभी सिर दबाएंगे, ये माँ हमारी हमारी है। अगर ये धरती हमारी माँ है तो इस माँ का एक हाथ इंडिया है और दूसरा हाथ अमेरिका है। माँ का बायां हाथ भी बच्चे का है और दायां हाथ भी बच्चे का है। इसलिए मैंने खोया नहीं, मैंने पाया। आप भी ऐसा ही पाओ। मेरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो आंदोलन हम लोग वोटरों को पैसा दिलाने का चला रहे थे, ये बात आगे बढ़ी है। आपने जानकारी पाया होगा कि देश की केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि हम देश के लोगों को अगले महीने मार्च से 6,000 रुपए देंगे, 6,000 देंगे। अरे अभी तो हमारी सरकार भी नहीं बनी है, बिना सरकार बने दिल्ली की कुर्सी हिल गई है। वो कह रहे हैं कि 6,000 रुपया देंगे, लेकिन कह रहे हैं कि हर महीना नहीं देंगे, साल भर में एक बार देंगे। अरे एक बार दोगे मतलब ये है कि दुर्योधन का दिल थोड़ा पिघला है, थोड़ा डरा है, वो कृष्ण को देख के थोड़ा डरा है और ये कह रहा है कि हे आओ, हम हस्तिनापुर तो नहीं देंगे, ये 5 गांव ले लो, 5 गांव। 5 गांव देने के लिए दुर्योधन तैयार हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस, ये दुर्योधन और दुशासन, एक ने कहा कि 500 महीना देंगे और राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरी सरकार बनवाओ, 3,500 महीना देंगे, 3,500। मतलब दुर्योधन भी तैयार है और दुशासन भी तैयार है, दोनों तैयार है। मतलब डर उनके दिल में बैठ गई है। ये आंदोलन अब हमें बंद करके घर जाना चाहिए कि और तेज करना चाहिए? घर जाना चाहिए, तेज करना चाहिए, हाथ उठाइए, तेज करना चाहिए, करना चाहिए। मतलब ये है कि अभी तो रंगिया में 1,00,000 आदमी आए तो 5 गांव देने के लिए दुर्योधन तैयार हो गया, 1,00,000। और जिस दिन पूरा आसाम, पूरा इंडिया एकजुट होगा, उस दिन क्या होगा, हस्तिनापुर छोड़ के भाग जाएगा, कहे आओ तुम्हें आओ, भाग जाएगा। मेरे भाई, आपकी खुशियों में, आपके इस सफलता पर हम आपको बधाई देते हैं, हम बधाई देते हैं कि कम से कम सिद्धांत रूप में आपने लड़ाई जीत लिया। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि फ्री में पैसा क्यों, अब कोई नहीं बोलेगा, क्यों, सरकार ने स्कीम बना दिया कि देश की जनता का अधिकार, ये जो मशीनों का फ्री में पैसा पैदा हो रहा है, ये जो प्राकृतिक साधनों का फ्री में पैसा पैदा हो रहा है, ये कानूनों की मौजूदगी से फ्री में पैसा पैदा हो रहा है,
इसमें देश के वोटरों का हक है, हक ये मान लिया। जैसे कंपनी का शेयर होल्डर काम करके लाभांश नहीं लेता, मकान मालिक काम करके किराया नहीं लेता, उसी तरह ये देश एक कंपनी है और वोटर उस कंपनी का शेयर होल्डर है। वो काम करके पैसा नहीं लेगा, वो डिविडेंड लेगा, लाभांश, लाभांश लेगा। अगर ब्याज का पैसा फ्री में मिलेगा, अगर मकान का किराया फ्री में मिलेगा, कंपनियों का शेयर फ्री में मिलेगा, टाटा बिरला मरेंगे तो उनके बेटे अरबों रुपया फ्री में पाएंगे, तो देश का वोटर 6000 रुपया फ्री में लेगा। ये तय, ये लड़ाई बंद कर देना चाहिए कि आगे और बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, हाथ उठाइए, बढ़ाना चाहिए। अगर बढ़ाना चाहिए तो सारा त्याग भरत गांधी के हिस्से लगेगा कि अपने हिस्से में कुछ लेंगे, लेंगे ना। सारा त्याग करना, घर छोड़ा, नौकरी छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़ा, देश छोड़ा, धर्म छोड़ा, कुछ आपको भी तो छोड़ने का फर्ज बनता है कि नहीं, बनता है ना भाई। अगर सब थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे तो ढेर सारा बनेगा, ढेर सारा बनेगा। इसलिए आज कुछ बात और छोड़ने की बात रखो, आप मानेंगे। पहले तो ये कि कांग्रेस को खबर लग गई है और राहुल गांधी जी अभी अभी इस मंच पे अपना प्रतिनिधि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और आसाम के कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत जी अभी अभी पहुंच रहे हैं आपका समर्थन करने के लिए, अभी अभी आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की ताकत को समझ लिया, समझ लिया। वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी को भी हमारे घर पे आना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी। और मैंने रूम बनवा रखे हैं, मैंने वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल में कई रूम बनवा रखे हैं, एक रूम में कांग्रेस को रख दूंगा, एक रूम में भारतीय जनता पार्टी को रख दूंगा, एक रूम में ये यूडीएफ वालों को कह दूंगा कि ही नमाज पढ़ो, उनको भी रख लूंगा, एक रूम में ये कम्युनिस्ट पार्टी वालों को कह दूंगा कि आओ तुम भी रहो, एक रूम में ममता दीदी को बुला लूंगा कि तुम भी आओ, नरेंद्र मोदी से वही पड़ोस में ही लड़ना, तुम्हारा रूम नरेंद्र मोदी के बगल में ही दे दूंगा लड़ना। ये वोटरों की पार्टी है, अरे कांग्रेस के भी वोटर हैं, बीजेपी के भी वोटर हैं, यूडीएफ के वोटर हैं, कम्युनिस्टों के वोटर हैं। जब वोटरों की पार्टी है तो अलग अलग दुकान क्यों चला रहे हो, दुकान क्यों? अगर तुम वोटरों की भलाई की बात करते हो तो मैं कहता हूं अपनी अपनी दुकान बंद करो, बंद करो दुकान। ये कांग्रेस एक दुकान है, बीजेपी दूसरी दुकान है, ये कम्युनिस्ट तीसरे दुकान है, अब मायावती ने भी एक दुकान खोल रखी है और हमारे ममता दीदी ने भी चाय की छोटी सी दुकान खोल रखी है।
तृणमूल कांग्रेस आप तैयार है ना, ये वोटर्स पार्टी हाथी है, हाथी इन सारी भैंसों को अपने पेट में हजम कर ले, हजम कर ले, तैयार है। इसलिए अगर हरीश रावत जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे नरेंद्र मोदी आप भी आओ, एक रूम का ताला खोल दूंगा, आ जाओ तुम भी। लेकिन देश में दंगा नहीं करने दूंगा, दंगा फसाद युद्ध मार काट लड़ाई झगड़े ये वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल बंद कर दे, बंद कर दे। तैयार है पक्का? ये दुनिया अब एक नई राह पर चल पड़ी है और उस नई राह पर हम लोग अपना पुनर्जन्म लेकर जाएंगे, पिछली बातें भूल जाएंगे। क्या झगड़ा था मुसलमान से, क्या झगड़ा था हिंदू से, क्या झगड़ा था इनसे, क्या झगड़ा था पड़ोसी से, ये तो पूरी दुनिया के लोग एक ही पेड़ के अलग अलग फल हैं। कोई पूरब की डाल में है, कोई पश्चिम की डाल में है, ये जो परमात्मा है इस परमात्मा के पेड़ में हम सभी लोग लगी हुई आत्मा है, आत्मा आत्मा। एक ही पेड़ की एक डाल में हिंदू लटके हैं, उसी पेड़ की दूसरी डाल में मुसलमान लटके हैं, उसी पेड़ के तीसरी डाल में क्रिश्चियन लटके हैं, उसी पेड़ की चौथी डाल में इंडिया पाकिस्तान नेपाल लटके हैं। एक ही पेड़ है, इसलिए ये लड़ाई झगड़ा अज्ञान है, अज्ञान। आज हम ये लड़ाई झगड़ा छोड़ने की कसम खाते हैं, कसम खाते हैं, नहीं लड़ेंगे पाकिस्तान से, कसम खाते हैं, नहीं लड़ेंगे बांग्लादेश से, कसम खाते हैं, नहीं लड़ेंगे मुसलमान से, कसम खाते हैं, और यह विश्वात्मा भी कसम खाता है। मेरे भाई, मैं कुछ बातें कह के जाना चाहता हूं कि चुनाव के पहले 10 आदमी को नए लोगों को मेंबर बनाना है, और मेंबर बनाने का काम अब मोबाइल में चालू हो गया है, मोबाइल में पता करो, मोबाइल से ही जैसे ट्रेन का रिजर्वेशन होता है वैसे ही अब मेंबर और पदाधिकारी आज 12 तारीख से बनने चालू हो गए, ये भी काम हो गया। और नोट नोट वोट वोट रैली, नोट वोट रैली, हमें क्या चाहिए? तीन। आप जब सभा में आओ अपने लिफाफे में 10 रुपया 50 रुपया कुछ डाल के जरूर लाओ, क्योंकि टाटा बिरला के हाथ अगर ये पार्टी बिकेगी तो वोटरशिप का आजादी का सपना भूल जाना। वकील का फीस क्लाइंट देगा, टाटा बिरला नहीं देंगे, ये पार्टी आपकी वकील है और उसकी फीस देना आपका फर्ज है। ये तैयार है कि नहीं? अगर आपने एक काम किया कि जब रैली में बुलाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा ताकत में आके सरकार को दिखाओ, और अपने साथ एक लिफाफा जरूर लेकर आओ, रैली का खर्चा टाटा बिरला पे नहीं अपने सिर पर उठाओ। और आपको जो लोग बहकाएंगे कि भाई दारू ले लो पैसा ले लो, ये आपकी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं, उनका दारू उनका पैसा से दूर रहोगे कि नहीं? दूर रहेंगे ना। वोट देने के लिए रिश्वत नहीं लेना, लेंगे? सबको समझाना कि ये जो दारू 50 रुपया का देते हैं, तुम्हारा जिंदगी भर का 6,000 रुपया इसी दारू को बोतल में जा रहा है। और एक बात तय कर लो,
हम किसी के नहीं है, हम किसी नेता के नहीं है, हम अपने परिवार के हैं और इस धरती के हैं। बीच में हम किसी के हैं वे नहीं, बीच में किसी के नहीं है। हम परिवार के लिए वोटरशिप की लड़ाई लड़ेंगे और दुनिया में शांति रहे इसके लिए दुनिया की एक सरकार बनाएंगे। ये काम हमारा होगा। ध्यान रखना, ये गरीबों की लड़ाई नेताओं के कारण हारी गई है, और तुम इस विचार पर भरोसा करना, एक नेता आएंगे जाएंगे, नेताओं को तो 50 करोड़ रुपया दे दो तो बड़े बड़े नेता बिक जाएंगे, एक एमपी की कुर्सी दे दो, एमएलए की कुर्सी दे दो तो हमारी पार्टी के भी बड़े बड़े नेता बिक जाएंगे। ध्यान रखना, आपका निगाह केवल मछली की आंख पर होना चाहिए, नेता से ज्यादा प्रेम करना नहीं।